हेलो शायद गलती से नेटवर्क कट गया है फोन। अरे मैंने ही रखा भाई। अच्छा मैं बहुआ, एक सेकंड रुकिए, आपके पास 1000 का खुला तो नहीं होगा? अरे उसी के चक्कर में तो भाई बिजी हूँ। एक सेकंड सुनिए, कटरीना का नंबर है। किसका? कटरीना। क्या कटरीना का क्या करेगा? आपके पास नहीं तो मैं उनसे ले लूंगा। क्या ले लेगा? कटरीना से छुट्टा ले लेगा? छुट्टा ले लूंगा, बताओ कैसे? कैसी रही अंकिल? हेलो। अबे वो कटरीना छुट्टा नहीं देगी साले, वो आम का ऐड करती है ना, जो आम का वो आम निचोड़ के की तरह। अच्छा सुनो, कटरीना का नहीं है तो बुल्ला का नंबर है। बुल्ला कौन में? बुल्ला ये सुनो, मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। इसके पास खुल्ला में अबे खुल्ला नहीं, गलत आदमी। अच्छा सुन, एक बंदे का फोन आया था, उसने किडनैप कर लिया था किसी को। एक सेकंड रुक, उसने किसी को किडनैप किया था, जिसको किडनैप किया था उसके पापा को फोन करके बोलता है तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। बाप बोलता है कितने पैसे चाहिए बताओ, तो पता है किडनैपर क्या बोलता है? कितना? कहता है पैसे। कितना नहीं, बोलता है पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास हैं, 2 करोड़ भेज रहा हूँ, उसके खुल्ले दे दियो बस। ये सुन एक बार, मेरा नाम है बुल्ला। हेलो। नमस्कार अंकिल। कौन बात कर रहा है? बिजी लग रहे हो क्या? कौन बात कर रहा है? जी बहुआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था, हाँ आप बात तो कर सकते हो ना? हाँ जल्दी बोलना है। जल्दी, सॉरी, मैं कह रहा था ना, परेशान हो गया हूँ। अच्छा किस बात से? घर वालों से यार। अच्छा। कंजूस पने की हद कर दिया है सब लोग, मतलब एक तो मेरे दादाजी की तरफ के तो हैं, नाना जी की तरफ के भी सारे कंजूस हैं। तो भाई मेरे को क्या लेना देना? एक सेकेंड रुक जाना यार, तू सुन की फितरत तो सुन ले, लेना देना कुछ नहीं, समझ तो ले कैसे टाइप के लोग हैं जिंदगी में। हाँ तो बोला जल्दी। एक सेकेंड रुको, मेरे पापा कल मेरे को 2 चपेट मारी उनने। अच्छा घंटा? अच्छा पूछ तो काय को मारी? सॉरी, उन्होंने मेरे को बोला कि एक साथ 2-2 सीढ़ी चढ़ाकर चप्पल कम घिसेगी। कंजूस है, कहते हैं एक साथ 2-2 सीढ़ी चढ़ चप्पल कम घिसेगी। मैं 4-4 सीढ़ी चढ़ा, उन्होंने थपेड़ मार दी, उस चक्कर में पजामा फट गया, उसका अलग खर्चा। सुन तो, मेरे चाचा जी केला खरीदने गए। अच्छा घंटा? अच्छा बात तो सुन ले, पूरा अच्छा अच्छा बोल रहा। केला खरीदने गए, केले वाले से पूछा कितने का? केले वाले ने बोला 3 रुपए का। अच्छा। चाचा जी ने बोला कि 1 रुपए का दे दो। कहते 1 रुपए में तो बस छिलका आएगा। पता है चाचा जी ने क्या किया? फटाक से 2 रुपए पकड़ाया, बोले छिलका रख ला केला दे दे। मेरे फूफा जी एंटीना बना रहे थे ऊपर छत पे, नीचे गिर गए। अच्छा घंटा? अच्छा अच्छा बोल रहे। गिरते हुए जब वो खिड़की के बगल से गुजरे ना, तो बुआ जी खाना बना रही थी, गिरते हुए उनसे बोला आज मैं गिर जाऊंगा, मेरी रोटी मत बनाइयो। गंदा मत बोल। मेरे मौसा जी, मेरी मौसी जी का हाथ काट रहे थे ब्लेड से। अच्छा घंटा? अच्छा किसी का हाथ कट रहा है, तू अच्छा बोल रहा है। रिएक्ट कर रहा हूं एक सेकंड, रिएक्ट कर रहा है। मौसी ने पूछा कि मेरे हाथ क्यों काट रहे हो? कहते हैं डेटॉल की बोतल फूट गई है, बर्बाद ना हो जाए, इसलिए इसको काट के इसी पे लगा। क्या कर रहा है? मेरे दादाजी टूथब्रश लेने गए, दुकानदार से बोला ब्रश दे दो, मेरा ब्रश का एक बाल टूट गया है। एक बाल टूट गया तो पूरा ब्रश लेने की? यही बात दुकान वाले ने भी बोली। हाँ तो फिर उसने क्या बोला? तो उसने नहीं, उन्होंने, दादाजी हैं औकात में रहे, दादाजी की तू आगे। तो दादाजी से उसने बोला एक ब्रश की वजह से, दादाजी ने बोला वही आखिरी बाल था ना ब्रश का, तू खरीदना ही पड़ेगा। मेरे नाना जी मरने वाले थे, मेरे नाना जी आखिरी समय में उन्होंने आँख खोली, नानी जी से बोला कि बेटा कहाँ है? नानी जी बोले ये बगल में खड़ा है। कहते हैं बहू कहाँ है? बोलती ये देख बगल में खड़ी है। बोलते पोता पोती, कहते हैं बगल में खड़े हैं। वो कहते जब सब यहाँ है तो तालियों से स्वागत किया जाए।
कौन बोल रहा है भाई? नमस्ते अंकल, मैं बहुआ मरिया हूँ। नमस्ते, कौन बहुआ? आज अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे है। बर्थडे अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन। अच्छा भाई, क्या करूँ, बर्थडे है तो। नहीं, हम एक कॉन्टेस्ट खेल दें जहाँ आपको पैसे जीतने का मौका मिलेंगे। हाँ बोल भाई। अगर खेलना चाहते हैं? हाँ। तो एक दबाएं। अब सवाल पूछने जा रहा हूँ, अगर जवाब आए तो तुरंत बोलें, वरना ये बजट दबा दिया जाएगा। अच्छा ठीक है। पहला सवाल, चाइना किस देश में है? टाइम ओवर। दूसरे सवाल। हाँ बोल भाई बोल। 15 अगस्त किस डेट को आता है? क्या बोल रहा है? टाइम ओवर। आगरा का ताजमहल कहाँ है? कौन बोल रहा है? गंदी बात नहीं, बर्थडे अमिताभ बच्चन का। हेलो। अरे हाँ भाई, हैप्पी बर्थडे आगे। हाँ, ग्रीन रंग किस कलर का होता है? क्या पूछ रहा है? सुन रहा है नहीं, कुछ समझ क्या कौन समझ नहीं आ रहा। अगला सवाल, जल्दी जवाब देना तुरंत। टमाटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे भाई, मुझे अच्छा सॉरी, आखिरी दो सवाल भाई, जल्दी पूछ। आखिरी दो सवाल, नंबर वन। हाँ बोल भाई। एक और एक तीन कैसे होता है? मुझे क्या पता कैसे होते हैं। अच्छा, एक और एक तीन गलती से होते हैं। गलती से पैदा नहीं हुई। मतलब आखिरी सवाल ये बताइए कि जो जो कौन है? जो 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 भाई, जो कौन है? मैं बताऊँ कौन है? हाँ बता, तू बता। चाहिए सुनिए, है जो। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन जी? बहुआ बोल रहे हूँ। क्या काम है बता? 2 मिनट होंगे आपके पास? किससे बात करनी है पहले बता। जी बोल रहे हैं, मैथ सिखाते हैं आप? गणित? हाँ सिखाता हूँ बता। पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ बता, पढ़ाता हूँ मैं। और वो पढ़ते भी हैं? तू चाहता क्या है? मैं भी मैथ पढ़ना चाहता हूँ, पापा ने बोला कोई अच्छा टीचर पकड़ ले। तो क्या मैं फोन पे पढ़ा दूँ तेरे को? नहीं फोन पे नहीं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको पापा से मिलाऊँ, मैं खुद ये देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ाने के लायक हैं या नहीं। ओ नालायक, मेरी पढ़ाने के वो देख रहा है तू है? सुनिए, मेरे 3-4 सवाल हैं, अगर आप उसके जवाब दे दें तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि आपको मैच आती है। अब गाली सुनने का काम नहीं। अच्छा सॉरी अंकिल, गलती से फोन कट गया था। अब गलती से फोन नहीं कटा था, मैंने काटा। अच्छा सर, कटने का काम कर रहा था। कोई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, 3-4 सवाल बता दो ना, पता चल जाएगा मैं थाती है नहीं आपको। अबे मन मत, तुझे गाइस उम्र रहा है तू है। सॉरी, आप जवाब दे देते तो बात खत्म हो जाती है। जल्दी सवाल पूछ, मत जल्दी। हाँ जल्दी पूछो, मारे नहीं, 3-4 सवाल है ठीक है। पहला सवाल, अगर मेरे पास 6 ट्रॉफी है, मैंने 2 इसको दे दी, 3 उसको दे दी और 1 इसको दे दी, तो मेरे पास कितनी बची? तेरे पास तो 1 भी नहीं बची। ऐसा नहीं है? फिर कैसा है? मैंने 2 ट्रॉफी पैंट में छुपा रखी थी, पॉकेट में, मैंने बताया नहीं। अगला सवाल, अगर मेरे पास 4 ट्रॉफी है और मेरे क्लास में एक लड़की है श्वेता, जल्दी बोल, मैंने वो 4 ट्रॉफी अगर उसको दे दी तो मेरे को क्या मिला? तेरे को मिला। नहीं सच्ची बताइए, क्या मिला? तेरे को नहीं मिलेगा ना कुछ भी। कुछ नहीं क्यों, मुझे तो गर्लफ्रेंड मिलेगी। अगला सवाल पूछ रहा हूँ, 80 और 90 कितने होते हैं? 170 होते हैं बोल। नहीं 170 नहीं, गलत जवाब, 100 होते हैं। 100 कैसे होते हैं? अखड़ बखड़ बम्बे बो, 80-90 फूटे 100, तो 170 कैसे? गलत बोल रहा है, मेरे हाथों से टाइम खराब हो रहा है। अभी से मारने की बात कर, मैं टीचर नहीं रखूंगा। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, 2 और 2 5 कैसे होते हैं? अबे मेरे को नहीं पता। मैं बताता हूँ ना। बता। गलती से होते हैं। अबे गलती से तू हो गया। अच्छा। Red FM Morning Number 1 रौनक के साथ Monday to Friday सुबह 6 से 11 Super Hits 93.5 Red FM बजाते रहो। कौन? मैं अंकिल बहुआ बोल रहा था जी। कौन, क्या काम है बताइए? 2 मिनट चाहिए था जी। पहचाना नहीं मैं, कौन? अभी तो बताया बहुआ। अरे बहुआ तो, पर मैं बताइए काम क्या है आपको? मैं कह रहा था क्या हो गया भाई साहब? सॉरी, ये किसी ने भेजा है, वो मैं आपसे भी कंफर्म करना चाह रहा था। क्या भेजा है? व्हाट्सएप है आपके पास? हाँ जी है, बिल्कुल है। मतलब आपके पास नया स्मार्टफोन भी है? नहीं, पुराने नोकिया फोन में है। बता तुझे काम क्या है? तो व्हाट्सएप भी आया था,
भाई साहब मैं सोचा आपको भी पूछे शायद आपको भी मजा आए। अरे तू पूछना जल्दी पूछ। बोल बोल जल्दी बोल। एक बार एक हाथी था। अच्छा फिर? उसके सामने 11 केले रखे थे तो उसने 10 ही खाए, एक नहीं खाया, बताओ क्यों? मन नहीं कर रहा हो उसका भाई, पेट भरा हो। ना 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 ना, क्योंकि एक केला प्लास्टिक का था। क्या बोल रहा है? एक सेकंड। एक बार फिर एक हाथी था और फिर उसके सामने 11 केले थे। अच्छा, और इस बार उसने 11 की 11 नहीं खाए, बताओ क्यों? मैं सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। एक सेकेंड, इस बार एक बार वापस, फिर एक बार असली हाथी भी था, असली केले भी थे। अच्छा, 11 ठीक है। अच्छा, फिर भी उसने नहीं खाया, बताओ क्यों? तो अब मन नहीं कर रहा उसका, नहीं खाया, पेट भर गया होगा। नहीं, गलत जवाब। तू दे दे भाई सही। केले टीवी में थे ना, हाथी बाहर। केले और हाथी दोनों प्लास्टिक वाले भी और असली वाले भी। एक सेकेंड उड़की, इस बार सुनो, इस बार हाथी भी असली था, केले भी असली थे, दोनों टीवी पे भी थे, फिर भी वो केले नहीं खाया गया था। तो अब मैं ही बताता हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग चैनल पे। एक मिनट, इस बार हाथी भी असली थे, केले भी असली थे, 11 थे, एक ही चैनल पे थे, फिर भी नहीं खाए, बता क्यों? सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, क्योंकि टीवी बंद था। देखो कायदे से मजा तो आपको भी आ रहा है कि नहीं? खराब कर रहे हैं। अच्छा देना, फॉरवर्ड करूं तेरे को मैं? फॉरवर्ड करेगा क्या? हेलो, ये प्रकाश? हाँ प्रकाश, आपका पूरा नाम क्या है? हाँ पूरा नाम प्रकाश तिवारी। कहाँ, कौन बोल रहे, कहाँ से? एक सेकंड, प्रकाश तिवारी पूरा नाम है ना? नहीं कुछ नहीं, बैंक में खड़ा था, अभी तुम्हारे अकाउंट में 25,000 रूपए कैश डाल रहा हूँ। ये प्रकाश तिवारी पूरा लिखिए, PRA डालिए इसके अकाउंट में 25,000 रूपए। एक मिनट, एक सुनो, मेरे पास डालिए इसके अकाउंट में। अरे 25,000 डाल यार अपने, इसमें डाल 25,000, क्या मेरे अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहा है? 25,000 की पूरी गड्डी। सुनो यार, तुम किससे बात कर रहे हो? मैनेजर से पहले मुझसे बात करो, बिना पूछे तुम मेरे अकाउंट में पैसा डाल रहे हो। सही, 1,000-1,000 की गड्डी नहीं के अकाउंट में, इनके अकाउंट में प्रकाश तिवारी का अकाउंट में क्यों डाल रहे यार? मुझे फंसा रहे। अब देखो, तुम्हारे अकाउंट में डाल रहा हूँ 25,000, 1,000-1,000 के नोट है, ठीक है? बड़े तरह इतना डाल दीजिए इनके अकाउंट में। डालिए, आप इनको बकवास करने दीजिए। डालिए, 25,000 हमारे अकाउंट में पैसे डाल ना, बैंक में घुस कर तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा है? मैडम आप इसका मत सुनिए, 25,000 रूपए डालिए, 1,000 डाल दीजिए। मैडम तुम अपना एड्रेस बताओ हमको, वो बात मार के रख देगा आगे, तुम्हें दिमाग खराब कर दिया है। अरे अगर मैं तुम्हारी तुम्हारे पैसे डाले डालिए इनके अकाउंट में, ये जो फोर्स से शुरू। डालिए, गलती से हमारे अकाउंट में 500 या 1,000 के एक दिन हो गए ना। मैडम मैं बात सुनिए, मैं इसको नहीं जानता कौन है, ये मेरे अकाउंट में पैसा डाला। मैडम मत डालिएगा अकाउंट में, डालिए यार। तुम सारे ये पना जो दिखा रहे हो ना, तुम्हारे बहुत देर से देख रहा हूँ, और तुम सारे मैं तुम्हें जानते हो, मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो। आगे तुम क्या, मैं शायद तुम मेरे अकाउंट में तो डाले, डाल दीजिए आप, डालिए तो मैं देखता हूँ। डालो 25,000 रूपए अभी, पढ़ा लिखा आदमी कैसा आदमी किसी अकाउंट में कुछ पैसा डाल देता है? अभी डालो इसके अकाउंट में 25,000, डालो इसके अकाउंट में, डालो इसके अकाउंट में 25,000 रूपए, मैं देखता हूँ। अरे मत कर, डालिए मैडम इसके अकाउंट में अभी 25,000। अबे सुनिए, अबे इसके अकाउंट में 25,000 अभी डाल दीजिए, ये बहुत इतना था यार। तुम इसके डाल दीजिए, इसके डाल नहीं डाल, इसके डाल 25,000 डालो, पढ़ा इतना था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ भाई, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, नहीं डाल रहा कोई पैसे यार। हेलो भाई, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, मुझे तो नंबर दिया था आपको किसी का, कहा था मुर्गा बनाने के लिए, कोई नहीं डाल रहा आपके अकाउंट में पैसे। हेलो कौन बोल रहे हैं? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ भाई। मैं नंबर कौन दिया आपको? आपका नंबर सुमंत ने दिया था। यार आप लोग पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, यार यहाँ पहले से ऐसी तली लगी पड़ी है, पड़ी ऊपर से आप ऐसा मजाक करते। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। मैं नमस्ते, कौन? कौन, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। जानता हूँ कि आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनने फोन काट दिया। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो अपना एक कुछ शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ बोल भाई, बोल जल्दी बोल यार, ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि
मेरा जो बॉडी है ना, हाँ, वो थोड़ा सा पतला है। अच्छा, मैंने सोचा तो कुछ लेता क्यों नहीं है तू? मैं सुनो तो, मैं तो जाता था जब वजन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था ना। अच्छा, तो जो वजन की मशीन होती थी, हाँ, उसमें से आवाज आती थी कि बेटा कुछ खा के चढ़ो तो वजन किसका दें। तो सुबह सुबह केले खाया कर ना तू, तो केले खाया कर। और उसके लिए फोन ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं एक दिन सड़क से जा रहा था क्योंकि अच्छा, मेरी मम्मी ने कहा था कि जाके सब्जी ले आ। अच्छा, 6 किलो आलू मंगाए थे मुझसे। अच्छा, मैं घसीट घसीट के ला रहा था क्योंकि मैं पतला हूँ, उठा नहीं पाता। अच्छा, फिर मैं ला ही रहा था कि एक सिग्नल के पास से मैं गुजरा तो एक लंबी गाड़ी रेड कलर की, अच्छा, आके खड़ी हो गई और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की। कैसी लड़की? सुंदर सी, खूबसूरत, खूबसूरत। वो उतरी मेरे तरफ देखते हुए, उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे हाथ से झोला छूट गया। वो मुझसे अच्छा, कहती है एक्सक्यूज मी, क्या आप नजदीक आ सकते हैं? मैं तुरंत पॉकेट में हाथ डाला। क्यों, जेब में हाथ क्यों डाला तूने? हाथ जेब में डाला कंघा निकालने के लिए। मैंने अपने बाल अच्छा, सेट किए, लड़की के पास गया। लड़की मुझसे कहती है आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं? मेरे मन अच्छा, में लड्डू फूटा। मैं अच्छा, गाड़ी में बैठा, मुझे अपने बंगले के पास ले गई। बड़ा ही अच्छा, खूबसूरत बंगला था। अच्छा, बंगले के अंदर नौकर चाकर, मैं सोफे पे बैठा, वहां से 2 बच्चों का हाथ पकड़ते वो लेडीज आई। अच्छा, वो कहती है ये मेरे बच्चे। धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका दूसरा बाप बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा? उसने कहा कि बच्चों ये देखो अंकल को। मैंने कहती थी दूध नहीं पियोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसे ही पतले रहोगे दूध नहीं पियोगे तो। ये दिखाने के लिए मेरे को धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। बाद में मेरे हाथ में 50 रुपए रख के कहती है बाहर छोले कुलचे खा के वहीं से बस पकड़ के निकल जाना। ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? गलत मत बोलिए ना। अब एक तो लड़की ने मेरा तोड़ दिया, हाँ, मेरा दिल। अबे तो लड़की ने तेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी तोड़ूं वहीं पे आगे। गलत बोल रहे, मेरे को असली तकलीफ क्या है पता है? क्या? उस लड़की के चक्कर में जो झोला छोड़ दिए थे 6 किलो आलू थे उसमें। अच्छा, उसमें टमाटर तो नहीं थे ना? नहीं, टमाटर तो नहीं थे। क्योंकि टमाटर वैसे ही बहुत महंगे हैं। बेटा तू भी जोक मार रहा है क्योंकि मैं भी जोक मार रहा हूँ। गरीब तेरी गई, ठीक है। गंदा मत बोल, फोन रख दे, ठीक है। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोलंगी, नमस्ते। हेलो अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा, बोल रहे हो? अबे तो कदे, तू भी तो अंकल बोल रहा है, अंकल लग रहा हूँ तुझे। सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बता। मैं कह रहा था आ, आपने गैलीलियो कलासनिको की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलासनिको? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी, तो बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकेंड, आपने अल्फर्ड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फर्ड सत्तू? अब तो बोल दे, उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। एक सेकेंड आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी? नहीं नहीं नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। तो अपने घर में बांट दी होगी? नहीं नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी। वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? एलेक्स निरंजन और तू, मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी, एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी।
फिर तो क्या, फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। आगे डिग्री देख ले, सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ मैं, के 10 डिग्री पढ़ी है। बाबरे तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, मैं क्या करूँ बता। एलेक्स निरंजन और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। Oh my God, 93.5 Red FM बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। एक भाई साहब ने टॉपिक देते हुए कहा कि इम्तिहान जो होता है, एग्जाम जो होता है, वो अक्सर टीचर बच्चों का लिया करते, लेकिन यही मौका अगर बच्चों को मिल जाए तो बच्चे किस हद को पार कर सकते हैं, ये बहुआ ने टेस्ट किया। कैसे? ये देखो मजे लिए मैंने अंकिल के। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन जी? बहुआ बोल रहा हूँ। क्या काम है बता? दो मिनट होंगे आपके पास? इससे बात करनी है, ये बता जी बोल रहे हैं, मैथ सिखाते हैं आप? गणित? हाँ सिखाता हूँ, बता। पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ बता, पढ़ाता हूँ मैं। और वो पढ़ते भी हैं? तू चाहता क्या है? मैं भी मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ, पापा ने बोला कोई अच्छा टीचर पकड़ ले। तो क्या मैं फोन पे पढ़ा दूँ तेरे को? नहीं फोन पे नहीं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको पापा से मिलाऊँ, हेलो, मैं खुद ये देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ाने के लायक हैं या नहीं। ओ नालायक, मेरी पढ़ाने के वो देख रहा है तू है? सुनिए मेरे तीन चार सवाल हैं, अगर आप उसके जवाब दे दें तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि आपको मैथ्स आती है। अबे गाली सुनने का काम नहीं, दिमाग खराब कर रहा है। अच्छा सॉरी अंकिल, गलती से फोन कट गया था। अबे गलती से फोन नहीं कटा था, मैंने काटा। अच्छा सॉरी, कटने का काम कर रहा है। गॉड नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, तीन चार सवाल बता दो ना, पता चल जाएगा मैथ आती है नहीं आपको। अबे मर रहा है तू है? सॉरी, आप जवाब दे देते तो बात खत्म हो जाती है। जल्दी सवाल पूछ, जल्दी। हाँ जल्दी पूछू, मारे नहीं, तीन चार सवाल है ठीक है। पहला सवाल, अगर मेरे पास 6 टॉफी हैं, मैंने 2 इसको दे दी, 3 उसको दे दी और 1 इसको दे दी, तो मेरे पास कितनी बची? तेरे पास तो 1 भी नहीं बची। ऐसा नहीं है? फिर कैसा है? मैंने 2 टॉफी पैंट में छुपा रखी थी, पॉकेट में, मैंने बताया नहीं। अगला सवाल, अगर मेरे पास 4 टॉफी है और मेरे क्लास में एक लड़की है श्वेता, जल्दी बोल, मैंने वो 4 टॉफी अगर उसको दे दी तो मेरे को क्या मिला? तेरे को मिला। नहीं सच्ची बताइए, क्या मिला? तेरे को नहीं मिलेगा ना कुछ भी। कुछ नहीं क्यों, मुझे तो गर्लफ्रेंड मिलेगी। ए अगला सवाल पूछ रहा हूँ, 80 और 90 कितने होते हैं? 170 होते हैं बोल। नहीं 170 नहीं, गलत जवाब, 100 होते हैं। 100 कैसे होते हैं? अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 फूटे तो 170 कैसे? गलत बोल रहा है, अभी से मारने की बात कर रहे, मैं टीचर नहीं रखूंगा। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, 2 और 2 5 कैसे होते हैं? अबे मेरे को नहीं पता। मैं बताता हूँ ना, बता। गलती से होते हैं। अबे गलती से तू हो गया। अच्छा। इंडिया नंबर 1 RJ रौनक ने बहुआ बन के आज क्या मजे लिए, लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो फिर बजाओ। नमस्कार, क्या हाल चाल है? किसी भाई साहब ने मेरे को टॉपिक दिया कि बताओ टीचर अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा होता है। मैंने कहा मैं फोन लगा के भाई साहब को यही समझाऊंगा, उनके मजे लूंगा। कैसे लिए? ऐसे। हेलो मम्मी, मैं आके बात कर लूंगा ना आपसे। हेलो, 2 मिनट दे दो, मैं अभी आता हूँ, बात करता हूँ, आप चिल्लाओ मत थोड़ा भी। हेलो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं, आज आपका और पापा का रिश्ता हमेशा अमर सिंह रहे, सॉरी अमर रहे। हेलो, हाँ मम्मी अभी आता हूँ ना मैं। अरे मम्मी किससे बात कर रही है, हमसे ही बात कर ले। ठीक है भाई। नमस्ते जी अंकिल। हेलो। हेलो, घर पे इतना बड़ा झगड़ा हो गया, मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे। तो हम जो हमारे पास फोन कर दिया, झगड़ा हो गया बता? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। क्या झगड़ा हो गया? मम्मी कह रही पापा के साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि पहले से उनकी एक पत्नी है जिनका नाम रानी है। तो पापा ने बोला, मैंने तो पहले ही बताया था। अच्छा, कि तुझे रानी की तरह रखूंगा। मम्मी को लगा रानी की तरह रखूं, वो रानी की तरह रख रहे हैं, वो पहली बीवी है दूसरी, तो इसी बात में मम्मी भड़क गई। रख लो, गलत मत ना बोल। मेरी मेरी बात सुनो। सुनाओ। मेरा कल दोनों कान जल गया। अच्छा, तो कान कैसे जल गया? मैं क्या ना प्रेस कर रहा था अपना जांगिया, अचानक फोन बज गया। अच्छा, तो फोन की जगह मैंने इस्त्री उठा के कान पे रख लिया। अच्छा, तो दोनों कान कैसे जल गया? नहीं फिर एक फोन लगाना था एम्बुलेंस को भी ना, कान जल गया इसके लिए।
आदमियों की कमी है। ए, गलत मत ना बोल। अच्छा समझदार, सबसे ज्यादा कौन होता है, डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर, बताओ। इंजीनियर। गलत जवाब। सबसे ज्यादा समझदार टीचर होता है, लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैं टीचर बताऊं क्यों? एक बार सुनो, 10 इंजीनियर, 5 डॉक्टर और 1 टीचर हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, उसमें वजन ज्यादा हो गया। पायलट ने बोला कि सब लोग रस्सी से लटक जाओ, है ना, तो वजन शायद कम हो जाए। सब लोग रस्सी से लटक गए। फिर पायलट ने बोला ना, किसी को तो कूदना पड़ेगा वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। फिर टीचर ने बोला कुर्बानी मैं दूंगा, क्योंकि हर वक्त टीचर कुर्बानी देता है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भी टीचर कुर्बानी देता है, मेहनत करता है कि नहीं? बिल्कुल। फिर टीचर ने बोला मैं कुर्बानी दूंगा, बच्चों मेरी कुर्बानी पे बजाओ ताली। बजा दी ताली। डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी ताली रस्सी छोड़ के। कौन बचा? डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी। कौन समझदार ज्यादा? अरे वाले बस लगा रहा। अरे टीचर के लिए बजाओ ताली। बस फोन काट दिया। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। भाई वसीम भाई ने फोन करके बहुआ को टॉपिक दिया, कहते हैं बहुआ भाई एक बात समझ में नहीं आई, हमेशा लोग हेलो ही क्यों बोलते हैं? बहुआ ने इस बात पे क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, आप सुनाओ, आप कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ? ये सब बताऊंगा लेकिन एक चीज